भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता महालक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप निरंतर उन्नति करें, प्रगति करें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। दीपावली का त्योहार सभी लोग बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाते हैं। संपूर्ण भारत वर्ष ही नहीं वरन विदेशों में भी दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। इस दिन माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन करने से अष्ट लक्ष्मी का घर में आगमन होता है, स्थिर लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। तो सभी लोग दीपावली के पहले पहले अपने अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं और जो भी कूड़ा कटकट होता है, गंदगी होती है, उसकी साफ सफाई करके पूरे घर को स्वच्छ और पवित्र बनाते हैं। जिस घर में स्वच्छता होती है, पवित्रता होती है, वहां पर माता महालक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दीपावली का महापर्व आ रहा है और ऐसे शुभ पर्व पर जब आप घर की साफ सफाई करते हैं तो आपको घर से बाहर कुछ वस्तुओं को निकाल करके फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं ऐसी है जो आपके घर में नकारात्मकता फैला रही है। नेगेटिविटी के कारण आपके घर का जो माहौल है वो निरंतर बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि जिस घर में अधिक नकारात्मकता फैलती है वहां पर दरिद्रता आती है और दरिद्रता आती है वहां पर अलक्ष्मी का निवास होता है। महालक्ष्मी की बहन है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी का अर्थ होता है दरिद्रता और जहां पर अलक्ष्मी निवास करती है उस घर में गरीबी आती है, कर्ज आता है, रोग आता है, तंगाई आती है और परिवार के प्रत्येक सदस्य को संकट का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी वस्तुओं को निकालने का सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आप दिवाली की जब साफ सफाई करें तो इनको घर से जरूर बाहर फेंक दें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त इस बार कब से कब तक रहेगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको घर से बाहर आपको निकाल देना चाहिए। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो दीपावली है इस बार 4 नवंबर 2021 गुरुवार के दिन है। गुरुवार के दिन दीपावली का आना एक अद्भुत संयोग माना जाता है। गुरुवार की जो दिवाली होती है वह शुभ फलदायी होती है, क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु का वार है, भगवान बृहस्पति का वार है। गुरुवार सौभाग्य को देने वाला वार माना जाता है। तो गुरुवार के दिन दीपावली आना अपने आप में एक शुभ संयोग बन रहा है। गुरुवार के दिन दीपावली आने से प्रजा का हित होगा, लोगों की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, साथ ही देश की विदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और सभी लोगों को गुरुवारी दिवाली से अवश्य ही फायदा होगा। व्यापार के क्षेत्र में निरंतर उन्नति तथा प्रगति को देखने को मिलेगी। तो महालक्ष्मी का जो पूजन है वो 4 नवंबर 2021 गुरुवार के दिन किया जाएगा। महालक्ष्मी पूजन का यदि आप चौघड़िया अनुसार मुहूर्त देखते हैं तो सबसे पहले मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 6 बजे से आरंभ होगा, जो कि 7:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद 10:30 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक भी महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद शाम को 4:30 से लेकर के 6 बजे तक का जो चौघड़िया है वो भी सर्वोत्तम रहेगा माता महालक्ष्मी के पूजन हेतु। उसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक भी श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। और यदि आप स्थिर लग्न में माता महालक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं तो आप प्रातःकाल जो सबसे पहली स्थिर लग्न रहेगी, जो कि वृश्चिक लग्न के रूप में कहलाएगी, वृश्चिक लग्न का जो मुहूर्त रहेगा वो प्रातः 7:27 से आरंभ होकर के 9:44 तक रहेगा।
उसके बाद दूसरी स्थिर लग्न रहेगी जिसका नाम है कुंभ स्थिर लग्न, जो कि दोपहर 1:36 से आरंभ होकर के 3:09 तक रहेगी। इसके बाद तीसरी स्थिर लग्न वृषभ स्थिर लग्न रहेगी, जो कि शाम को प्रदोष काल में रहेगी। शाम को 6:20 से वृषभ स्थिर लग्न प्रारंभ होगी, जो कि रात को 8:18 तक स्थिर लग्न रहेगी। उसके बाद अंतिम स्थिर लग्न, जिसे निशीत काल भी कहा जाता है, जिसे सिंह लग्न के रूप में भी माना जाता है, जो कि रात को 12:50 से आरंभ होकर के 3:00 तक रहेगी। इन शुभ मुहूर्तों में आप अपनी आस्था तथा परंपरा के अनुसार माता महालक्ष्मी का, भगवान कुबेर का, भगवान विष्णु जी का और समस्त देवी देवताओं का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और इन शुभ मुहूर्तों में यदि आप पूजन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का आगमन होगा, स्थिर लक्ष्मी का आगमन होगा। लेकिन महालक्ष्मी के पूजन हेतु सबसे पहली आवश्यकता है घर की साफ सफाई और पवित्रता। पवित्रता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहां पर स्वच्छता होती है, पवित्रता होती है, वहां पर लक्ष्मी का निवास होता है। और जिस घर में दरिद्रता होती है, गंदगी होती है, वहां से लक्ष्मी चली जाती है। तो यदि आप अपने घर में माता महालक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं, उनको निवास देना चाहते हैं, उनको स्थायी रूप से आप रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। पूरे घर की अच्छी प्रकार से सफाई करना है, लिपाई करना है, पुताई करना है, रंगाई करना है, और पूरे घर में जो भी कूड़ा करकट है, गंदगी है, उसको आपको निकाल करके बाहर फेंक देना चाहिए। दिवाली के दिन माता महालक्ष्मी घर में आती है। इस दिन हम अपने सभी घरों में दिए जलाते हैं, लाइटें लगाते हैं, रोशनी करते हैं, ताकि रोशनी के माध्यम से माता महालक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करें और महालक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। हालांकि इस दिन घर में कई चीजों का होना अशुभ माना जाता है और इन चीजों के होने से माता महालक्ष्मी की कृपा नहीं होती है, इसलिए इनको आपको दिवाली के पहले ही अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए या हटा देना चाहिए या ढक करके उनको कहीं भी पैक करके रख देना चाहिए, जिससे आने वाले की दृष्टि उन सामान के ऊपर नहीं पड़े। तो ऐसी ही सबसे पहली वस्तु है टूटा हुआ कांच। अगर आपके घर के किसी भी कोने में टूटा हुआ कांच रखा है या आपकी खिड़की का कांच टूटा हुआ है तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल करके फेंक दे। इसकी जगह पर नया कांच आपको लगवा देना चाहिए। घर में टूटा हुआ शीशा या टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है, इससे वास्तु दोष भी होता है और टूटे कांच से घर में नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और जब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी तो घर में दरिद्रता का निवास होने लगेगा और घर में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके घर में कहीं की भी लाइट खराब है तो दिवाली के पहले उसके ठीक करवा ले। दिवाली के समय अंधेरा अशुभता का प्रतीक माना जाता है और इसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारी उन्नति और प्रगति के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए घर की सभी लाइटों को दिवाली के पहले चालू करके ठीक ठाक करवा लेना चाहिए। बंद लाइटें या बंद बल्ब हमारे घर में नहीं होना चाहिए। बंद ट्यूबलाइट यदि है तो उसको निकाल करके बाहर फेंक दे। बंद बल्ब भी यदि लगे हुए हैं तो उनको भी निकाल करके कूड़े करकट में आपको फेंक देना चाहिए। बंद लाइटें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यदि हमारे पूजा स्थल में, हमारे घर में टूटी फूटी कोई भी मूर्तियां हैं तो उनको घर से बाहर निकाल करके विसर्जित कर देना चाहिए। टूटी फूटी जो मूर्तियां होती है वह दुर्भाग्य बढ़ाने का काम करती है, इसलिए टूटी फूटी मूर्तियों को तुरंत ही आपको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, जल में विसर्जित कर देना चाहिए। इसके बाद आता है टूटा फर्नीचर। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में टूटा हुआ फर्नीचर रखना अशुभ माना जाता है। घर का फर्नीचर हमेशा सही स्थिति में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार खराब फर्नीचर घर पर बुरा प्रभाव डालता है और घर में दरिद्रता का आगमन करवाता है।
इसलिए घर में टूटा फूटा फर्नीचर नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में कोई फर्नीचर टूटा फूटा है तो उसे तुरंत आपको दिवाली के पहले ठीक करवा लेना चाहिए, और यदि ठीक नहीं हो सकता है तो उसे पैक करके ढक करके आपको रख देना चाहिए। इसके बाद आती है बंद या खराब घड़ी। खराब घड़ी भी वास्तु के अनुसार खराब मानी जाती है और हमारी प्रगति में वह रुकावट कहलाती है। तो घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में भी बंद घड़ी दीवार पर लगी हुई है तो उसे तुरंत ही आपको हटा देना चाहिए, अन्यथा आपकी प्रगति में वह रुकावट डालेगी और आपके भाग्य को एक प्रकार से रोक देगी, आपकी उन्नति को रोक देगी, आपकी प्रगति को रोक देगी। इसलिए तुरंत ही आपको बंद घड़ी अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए या उसको ठीक करके पुनः उसे चालू कर देने चाहिए। किसी भी मकान की छत महत्वपूर्ण होती है। अक्सर लोग अपने घर की साफ सफाई तो करते हैं लेकिन छत को नजरअंदाज कर देते हैं। सारा घर का जितना भी कूड़ा करकट होता है, गंदगी होती है, वो छत के ऊपर ले जाकर के फेंक देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि छत एक प्रकार से छत्र होता है और छत के ऊपर किसी भी प्रकार की गंदगी का होना यानी पूरे घर के ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है। इसलिए घर की छत के ऊपर जो भी फालतू सामान या कूड़ा करकट है उसे तुरंत निकाल करके आपको वहां से हटा देना चाहिए और छत को अच्छी प्रकार से साफ सफाई करके पवित्र रखना चाहिए। इसी प्रकार घर में जब टूटे फूटे या फिर बेकार के जूते चप्पल हम एकत्रित करते रखते हैं वो भी घर में नेगेटिविटी फैलाते हैं। इसलिए आपके घर में टूटे फूटे या अनुपयोगी जूते चप्पल यदि पड़े हुए हैं तो उनको भी आपको घर से बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो भी घर में नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं और घर में दुर्भाग्य को लाते हैं। इसलिए टूटे फूटे और बेकार जूते चप्पल घर से बाहर आपको फेंक देना चाहिए। इसी प्रकार टूटे फूटे जो बर्तन होते हैं वो भी घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बर्तन घर में नेगेटिविटी फैलाते हैं, घर में ये अशुभता को फैलाने वाले होते हैं। घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखना चाहिए, और यदि आप इन बर्तनों को सुधरा करके इनके स्थान पर नए बर्तन ले आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन टूटे फूटे बर्तन का उपयोग घर में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हम घर में बहुत सारा बेकार का कचरा एकत्रित करके रखते हैं, कुछ पेपर की रद्दी रख देते हैं या कोई भी कबाड़ा सामान रख देते हैं, लोहा लंगर रख देते हैं, टूटे फूटे अन्य भी अनुपयोगी जो है वाहन भी हम घर में संभाल कर रखते हैं, इनको भी रखना गलत माना जाता है, इनको भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। यदि आप घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो इनको पैक करके या ढक करके एकांत स्थान पर अलग थलग रख देना चाहिए, यानी आने वाले किसी भी व्यक्ति की नजर इन वस्तुओं पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब माता महालक्ष्मी आपके घर में आएगी और इन वस्तुओं को देखेगी तो वह वापस भी जा सकती है। इसलिए आप यदि माता महालक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से निवास देना चाहते हैं, उनको बुलाना चाहते हैं, उनको आमंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको इन वस्तुओं को घर से फेंक देना चाहिए, और यदि नहीं फेंक सकते हैं तो उनको पैक करके कहीं भी एकांत में अलग थलग उनको रख देना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।